आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है ग्रीक फिलोसफीज। ये जो दर्शन पढ़े जाते हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री का भी पार्ट है, प्राचीन भारत का भी पार्ट है। उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, उस टाइम भी पढ़ते हैं, और आर्ट एंड कल्चर का तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और हर साल मतलब कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, पीसीएस में तो पूछे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है। जैसे इस बार भी जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी विशिष्ट अद्वैत के बारे में, रामानुजाचार्य के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। और ये टॉपिक टॉपिक जो है ये कोई टफ नहीं है, बस क्या है, आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में पढ़ो तो चीजें याद रहती हैं, आसान रहती हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज अपनी ये सभी फिलोसफीज। टोटल देखो ग्रेट फिलोसफीज ये सिक्स बोली जाती हैं, छह महान दर्शन, ऐसे टॉपिक ही लिखा होता है, सिक्स ग्रेट फिलोसफीज। छह इसलिए क्योंकि छह जो ये फिलोसफीज हैं ये हिंदू धर्म की हैं, जिसको सनातन धर्म या ब्राह्मण रिलीजन भी बोलते थे। ये आस्तिक फिलोसफी है, जो ईश्वर में यकीन करता है, करती हैं, वो छह महान दर्शन है। लेकिन साथ साथ में भारत में एंशियंट टाइम में, प्राचीन भारत में कुछ लोग और आए जो आस्तिक नहीं थे, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वो नास्तिक संप्रदाय बने, जिनको श्रमण संप्रदाय भी बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोडॉक्स स्कूल भी बोलते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल बोला जाता है, ये हेट्रोडॉक्स स्कूल बोला जाता है। इसमें भी हम लोग दो फिलोसफीज पढ़ेंगे, वैसे चार इसमें आती हैं, लेकिन दो हमें यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि बुद्ध और जैन वो अलग से बड़े टॉपिक हैं, वो हमें अलग से ही पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं इस वजह से। तो एक बार पहले इनके नाम देख लो, जो जो जिनको हमें पढ़ना है अभी। ये छह, ये जो फिलोसफीज हैं, ये तो ग्रेट फिलोसफीज जो हिंदू रिलीजन की बोली जाती हैं, ये आस्तिक हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल बोला जाता है इनको। देखो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, योग फिलोसफी। अच्छा, ये दो जो जोड़े बने हैं ये लॉजिकली बने हैं, ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही न्याय और वैशेषिक फिलोसफी, ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे का थॉट जो है वो लेती हैं, ठीक है, एक दूसरे की बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती हैं इनमें। उधर फिर मीमांसा और वेदांत, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है इस वजह से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, तो ये छह फिलोसफी, छह ग्रेट दर्शन। इसको छोड़कर हम लोग दो जो नास्तिक फिलोसफी पढ़ेंगे, जिनको हेटरोडॉक्स स्कूल बोला जाता है, एक है लोकायत और अगला है आजीवक सेक्ट, या आजीवक संप्रदाय भी जिसको बोलते हैं, या आजीवक दर्शन भी बोलते हैं। तो ये छह, ये टोटल आठ फिलोसफीज पढ़ी मैंने, बताया छह इसमें होती है, वैसे चार इसमें पढ़ी जाती हैं, बुद्ध और जैन भी होता है जो नास्तिक संप्रदाय थे, लेकिन वो अलग से बड़े टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री के, तो इसलिए वो सब अलग से ही पढ़ते हैं, वो ऐसे नहीं है कि आप जल्दी में पढ़ लो उनको। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में। पहली फिलॉसफी है ये सांख्य दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, सांख्य कपिल मुनि ने शुरू किया। अच्छा, ये फिलॉसफी का जो प्रोपाउंडर है वो नाम हमें पता ही होने चाहिए, कि वो फिलॉसफी किससे मानी जाती है, किससे शुरू हुई। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने शुरू किया। सांख्य वर्ड देखो, सांख्य वर्ड संख्या से बना हुआ, इसका मतलब होता है इन्यूमरेशन, काउंट करना। ठीक है, तो उसी से बना हुआ है ये वर्ड, संख्या से वर्ड सांख्य बना हुआ है। ये ओल्डेस्ट फिलोसफी है इंडिया की, सबसे पुराना दर्शन माना जाता है, और इतना इतना ओल्डेस्ट है कि अगर आप देखोगे ना इसके बारे में, तो इसके बारे में कई जगह पर आपको मिल जाएगा कि ये दर्शन सबसे बेस्ट दर्शन, सबसे ओल्डेस्ट दर्शन, हर जगह लिखा होता है। यहाँ तक कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला है कि फिलोसफीज में से सबसे ग्रेटेस्ट फिलोसफी कौन सी है, सांख्य दर्शन है, उन्होंने खुद उसमें बोला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी मानी जाती है। देखते हैं क्या है इसमें। देखो सांख्य दर्शन फिर से ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं करता है, और ये बात क्या बताता है, ये दो दो वर्ड से अपनी पूरी फिलॉसफी निर्धारित करता है, और वो है पुरुष और प्रकृति। ये वर्ड याद रखने हैं हमें, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या है, कॉन्सियसनेस, चेतना। ठीक है, पुरुष कॉन्सियसनेस का प्रतीक है, सेल्फ सोल आत्मा का प्रतीक है पुरुष। यहाँ पर जो मेल फीमेल वाला वर्ड नहीं है, पुरुष मतलब कॉन्सियसनेस, जो सोच सकता है, जो सजीव है, वो पुरुष है। प्रकृति मैटर है, पदार्थ है, ठीक है, एनर्जी है, वो प्रकृति है। तो पुरुष और प्रकृति दो कॉन्सेप्ट से ये पूरा पूरा सांख्य दर्शन बना हुआ है, और इन्हीं के जोड़ से ये सृष्टि बनी है, ये संसार बना है पुरुष और प्रकृति से। अच्छा,
अच्छा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो प्रकृति है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो जड़ है, उसके अंदर सोचने की क्षमता या कुछ करने की क्षमता नहीं है प्रकृति के अंदर। पुरुष या जो आत्मा है वो चेतन है, वो कॉन्शियस बोला जाता है, ठीक है, उसके अंदर सोचने की क्षमता है, वो एक्टर है, वो कर सकता है कुछ भी। अच्छा अब यहाँ पर बहुत अच्छी फिलॉसफी बनती है यहाँ पर, ये जो प्रकृति है, देखो ये यहीं पे लिखा है, जो प्रकृति है इसके तीन गुण होते हैं, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, सबने वर्ड सुने होंगे, सत्गुण रजगुण तमगुण, सतो रजो तमो, ठीक है, ये तीन गुण है इस प्रकृति के। सत मतलब पॉजिटिव, रज मतलब एक्टिविटी, जो जो एक तरीके से क्रिएशन है वो रजो रजोगुण में आता है। तम गुण जो है वो अंधकार, डार्कनेस, रिस्ट का प्रतीक है, ठीक है। तो ये प्रकृति के तीन गुण हैं। अच्छा अब बात ये आती है कि फिर ये संसार बना कैसे, इसमें बहुत अच्छी एक छोटी सी बस लाइन आपको बस समझनी होती है। एक कहानी बताई जाती है सांख्य दर्शन में, कि जैसे कि एक जंगल में आग लगी हो और एक अंधा आदमी हो और एक लंगड़ा आदमी हो, तो कैसे बाहर निकलेंगे? तो होगा क्या कि जो अंधा आदमी है वो लंगड़ा आदमी उसके ऊपर बैठ जाए और वो रास्ता बताता रहे, अंधा आदमी निकल जाएगा। तो ऐसे ही बताया गया कि अंधा जो है वो क्या है, प्रकृति है, और जो डायरेक्शन बता सकता है, जो चेतना है, वो पुरुष है। तो ये बताया गया जब ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हुए, पुरुष और प्रकृति आपस में मिले, तब ये यूनिवर्स बना, तब ये संसार बना, हम लोग बने, ये सब चीजें बहुत अच्छी फिलॉसफी है। और ये बताते हैं कि अगर आपको इसी चीज का ज्ञान हो जाए कि ये जो जड़ प्रकृति के ये गुण सत्व रज तम, ये अगर बैलेंस में आप रखोगे, वही मोक्ष है। इसी ज्ञान को मोक्ष बोला गया, साल्वेशन बोला गया। तो बहुत अच्छी फिलॉसफी है। सांख्य को अब नहीं लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी ये फिलॉसफी इतनी साइंटिफिक फिलॉसफी मानी जाती है, वैज्ञानिक फिलॉसफी, कि आप प्रकृति के साथ में तालमेल, इन तीनों गुणों का, सत रज तम का जो तालमेल है, वही मोक्ष है, वही साल्वेशन है, ठीक है। अच्छा इसको छोड़कर दो तीन पॉइंट और हैं, ये मैंने लिख दिया, साल्वेशन मोक्ष कैसे आपको मिलेगा, ये जो रियल नॉलेज इसी यही पुरुष और प्रकृति की जब आपको मिल जाएगी तब आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो हाँ एक चीज और, ये रियल नॉलेज मिलेगी कैसे आपको, देखो यहाँ पर रियल नॉलेज मिलेगी कैसे, तो इस रियल नॉलेज को पाने के तीन तरीके बताए गए हैं इसमें, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, ठीक है, एक और तरीका होता है वो यहाँ पे रह गया, वो उपमा, ठीक है। मैं चार तरीके जो बताए जाते हैं नॉलेज गेन करने के। पहला प्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो चीज आपको अपने सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से पता चल रही है, उस पर आप यकीन करो, वो ज्ञान है। अगर आपको कोई चीज दिख रही है, आप किसी चीज को फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो सबसे बड़ा ज्ञान, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, उस चीज को आप रियल मानो। दूसरा है अनुमान। अनुमान भी एक ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। जैसे बोला जाता है कि यही एग्जाम्पल इसमें दिया था कि एक जंगल के पीछे से अगर कहीं दूर से धुआं उठ रहा है, तो ये आप अनुमान लगा सकते हो कि वहां पर आग लगी हुई है, ये लॉजिकल इन्फ्लुएंस निकलेगा वहां से कि वहां पर आग लगी हुई है। तो अनुमान भी ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। उपमा, कंपेरिजन करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताया जाता है कि अगर हमें पता है कि जो चार पैर होते हैं तो वो जानवर है, एनिमल की कैटेगरी में आता है, चार पैर है, वायलेंट नहीं है, हिंसक नहीं है, दूध देता है, तो वो गाय होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी जीव आपको मिलेगा तो आप उसको क्या मान लोगे, गाय मान लोगे। उपमा मतलब कंपेयर करके भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और एक है शब्द, शब्द मतलब हेयरिंग, वो उन लोगों के शब्द जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ हो चुका है, जो बड़े सेंट हैं, जिन्होंने जिन्होंने किसी भी तरीके से ज्ञान प्राप्त किया है, उनके बातों को मानकर भी नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। जैसे अगर कोई अमेरिका गया नहीं है, तो जो अमेरिका गया है उसकी बात मानकर वो जो बताएगा उससे आप वहां की नॉलेज प्राप्त कर सकते हो ना, शब्द। तो ये चार, ये बहुत पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के सांख्य दर्शन में कितने रास्ते हैं, या इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो आपको ये पता रखने हैं, प्रत्यक्ष, उपमा, अनुमान और शब्द, ये चार रास्ते हैं। और सांख्य एक मतलब नॉन रिचुअलिस्टिक दर्शन है, जो कर्म कांडो इन सब में यकीन नहीं रखता है, बस आप नॉलेज प्राप्त करो, नॉलेज से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। पहला दर्शन है, सबसे पुराना दर्शन है, इसलिए बहुत पूछा जाता है सांख्य, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा है योग। अच्छा योग बहुत अच्छा दर्शन, सबको पता है योग दर्शन होता है पतंजलि,
पतंजलि ने जब योग सूत्र लिखा, ठीक है, उस योग सूत्र से ही योग दर्शन माना जाता है कि ये निकला। योग सांख्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने मैंने दो उनको साथ में लिखा था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि योग का की जो फिलॉसफी है वो किस दर्शन से ली गई। अच्छा, योग बस क्या मानता है, थोड़ा सा डिफरेंस। योग कहता है कि बात तो सब सांख्य ने सही की, लेकिन आपको नॉलेज मिल जाए अगर, तो क्या आपको मोक्ष मिल जाएगा सिर्फ नॉलेज पाने लेने से? तो योग कहता है कि नहीं मिलेगा। उस नॉलेज को अपने अंदर लाना भी पड़ेगा, उस नॉलेज को अप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर किसी को पता चल गया, सबको पता होता है कि हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है, ये फॉर्मूला है, ये ज्ञान है, हार्ड वर्क करोगे आप सक्सेस मिलेगी, ये फॉर्मूला है, ये सांख्य ने बता दिया। लेकिन अब हार्ड वर्क करोगे कैसे, अब ये बात आती है, ये बताएगा योग। तो योग इसीलिए योग बोलते हैं, योग को बोलते हैं अनुशासन। योग की कई डेफिनेशन, बड़ी अच्छी अच्छी डेफिनेशन। पहला तो ये बड़ी याद रखना है, योग सांख्य को ही मानता है। सांख्य ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म मतलब द्वैत, जो पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट है उसी को मानता है, प्रकृति का कॉन्सेप्ट है उसी को मानता है। योग के दो, देखो दो ये डेफिनेशंस हैं जो ली जाती हैं, कभी हालांकि पूछी नहीं जाती, आपको पता होना चाहिए कि पतंजलि ने ये डेफिनेशन दी, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि अपने अंदर आत्मा में, अपनी चेतना में, अपने शरीर में जो जो भी निरोध, जो जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना ही क्या है, योग है। कृष्ण ने गीता में बोला कर्म सुकौशलम, कर्म के कौशल कुशलता का नाम ही योग है ना। तो ये डेफिनेशंस योग की दी गई, ये एग्जाम के लिए, लेकिन वैसे भी ये पता होनी चाहिए योग है क्या, डेफिनेशन क्या है योग की, ठीक है। योग क्या कहता है, सांख्य वाला ही हमें मोक्ष, साल्वेशन चाहिए मोक्ष, लेकिन उसका रास्ता क्या होगा, मेडिटेशन होना होगा, ध्यान होगा, ठीक है। और ध्यान कैसे होगा, ठीक है, कि आप फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन, इन चीजों पर जब आप फोकस करोगे तब आप उस मोक्ष को पा सको, उस साल्वेशन को। पतंजलि ने अपने योग के 8 अंग बताए, अष्टांग योगा, इनके सीधे नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पतंजलि के अष्टांग योग में है या कौन सा नहीं है, ठीक है। नाम सबने सुने होंगे ये सब, यम, यम मतलब होता है ये मॉरल रूल्स होते हैं कि आपको क्या क्या करने हैं, ठीक है। सबने वर्ड सुने होंगे, सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब यम है, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको करनी है, या मॉरल प्रिंसिपल है, जो नैतिक सिद्धांत है वो सब है। नियम मतलब कुछ चीजें आपको करनी है, नियम भी बताए जाते हैं। नियम जैसे एक शुद्धता है, प्योरिटी, जिसको सौच बोलते हैं, मतलब अंदर से भी शुद्ध रहो, बाहर से भी शुद्ध, मतलब वो वाला नहीं होता, अंदर बाहर से शुद्ध रखना है, अपने थॉट को प्योर रखना है, ठीक है। तो ऐसे वाले इसमें नियम भी बताए गए हैं, ईश्वर को सब समर्पित करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें, यहीं से गांधी जी ने क्लीनलीनेस का कॉन्सेप्ट लिया था, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, नियम, ठीक है। तो ये नियम है। फिर है आसन, अभी के टाइम पे सबको पता है कि सिर्फ इस पे जोर दिया जाता है कि सिर्फ ये इसको मान लेते हैं, आसन करो आप योग हो गया, नहीं, जबकि ये सिर्फ एक पार्ट है इसका जो अभी बताया जाता है। योग बहुत बड़ी फिलॉसफी, जब ये आठों सीक्वेंस में चलना होता है, योग 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 की थ्योरी यही बोलती है, जब यहां से चलोगे आप ऐसे 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 से, तब आप एंड में आ पाओगे, जो सॉल्वेशन है, मोक्ष मिलेगा आपको। आसन, आसन सिंपल डेफिनेशन आसन की होती है कि वो पोजिशन, परफेक्ट पोजिशन जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, ठीक है। पतंजलि ने आसन की यही परिभाषा बताई, जिसमें आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली, आप मेडिटेट कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। जो ये आसन हम लोग करते हैं ना, जो बताए जाते हैं ऐसा आसन, शवासन, ये आसन, ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकला, उसको हठ योग बोलते हैं, वहां से निकला। और ये आसन सब उस इस पार्ट के हठ योग के हैं, ये पतंजलि के योग के आसन नहीं है। प्राणायाम, सांसों पर जो प्राण वायु है उस पर कंट्रोल करना, प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, काम वासना है उन पे सब पे कंट्रोल करना, खाने पीने पे कंट्रोल करना, धारणा कंसंट्रेशन आपको करना है, वो भी सीखना है। ध्यान मतलब आप कंसंट्रेट होके किसी भी एक टॉपिक पर ध्यान कर सकते हो, मंथन कर सकते हो, मन सोच सकते हो उसको, ठीक है। और तब जाके एंड में आपको साल्वेशन, मोक्ष मिलेगा, समाधि मिलेगी। तो ये अष्टांग योग है पतंजलि का, बहुत अच्छी फिलोसफी है फिर से, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि भाई हम लोग सिर्फ इसको मानते हैं, अभी के टाइम पे सिर्फ आसन जो एक पार्ट है उसका वो माना जाता है। योग इतनी इंपॉर्टेंट है, योग सबको तो पता ही होगा कि 21 जून को योग डे भी डिक्लेयर किया, यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको एक्सेप्ट किया, वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है योग। ये दूसरा दूसरी फिलॉसफी है योग दर्शन, सांख्य से जुड़ी हुई फिलॉसफी है। अब आते हैं हम लोग तीसरी, थर्ड,
थर्ड है न्याय दर्शन। न्याय न्याय शुरू किया गौतम ने, महर्षि गौतम ने। अच्छा न्याय, ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये गौतम ऋषि हैं जिन्होंने न्याय की शुरुआत की, न्याय फिलोसफी की शुरुआत की। अच्छा न्याय मतलब क्या है, देखो, जिसकी सहायता से किसी भी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके। न्याय को बोलते हैं तर्कवाद या तर्क सिद्धांत, वो सिद्धांत जिनकी वजह से आप किसी प्रिंसिपल पर पहुंच सकते हो, किसी उद्देश्य पर पहुंच सकते हो तार्किक तरीके से, वो न्याय है। ठीक है, ये पहली रियलिस्ट फिलोसफी मानी जाती है। रियलिस्ट मतलब जो प्रैक्टिकल, जो सिर्फ रास्ते को बता बता रही है, कहीं ये नहीं बता रही कहाँ जाना है। वो कहता कहते कि जो चीज आप मान रहे हो उसको पहले तर्कों पर आप देखो, लॉजिक्स पर देखो, लॉजिकल प्रिंसिपल्स पर अपनाओ कि वो चीज सही है या गलत है। न्याय फिर से देखो, वही चार चीजों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जो सांख्य के तरीके थे, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके, उनको अपनाता है। ठीक है, लेकिन ये पुरुष और प्रकृति ये कॉन्सेप्ट में नहीं पड़ता है। न्याय न्याय बस एक रास्ता बताता है, इसलिए बोलते हैं ना, जैसे जैसे साइंटिफिक विज्ञान डेवलप हुआ, साइंस 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 की डेफिनेशन ही बोली जाती है कि साइंस वो चीज है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, वो सिद्धांत जो यूनिवर्सल हो और हमेशा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे पेन छोड़ोगे तो नीचे जाएगा, कहीं भी छोड़ोगे जाके वो नीचे ही जाएगा, इसका मतलब वो ग्रेविटी है, यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी है उस प्रिंसिपल की, वो विज्ञान है। अच्छा, उसको प्रूफ किया गया तर्क के हिसाब से। तो यही न्याय बताता है कि उन सिद्धांतों को हमें पहचानना है जो यूनिवर्सली अप्लीकेबल। ठीक है, ये न्याय है। अच्छा, न्याय ने फिर से क्या बोली बोला है? देखो, न्याय न्याय बोलता है कि यूनिवर्सल जो ह्यूमन सफरिंग है, जो इंसान जो दुखी है, वो सब इस वजह से है कि रॉन्ग नॉलेज है, कि हम लोग अपने अपने दृष्टिकोण बना लेते हैं, अपनी अपनी परसेप्शन बना लेते हैं, और उन परसेप्शंस को तोड़ना, ठीक है, और एक रियल ट्रूथ पर पहुंचना, यही साल्वेशन है, यही मोक्ष है। इसलिए देखो, न्याय फिर से ईश्वर ईश्वर की बात नहीं करता, किसी की बात नहीं करता कि किसने बनाया, भगवान ने बनाया नहीं बनाया दुनिया को, ये सब है ही नहीं इसके दायरे में। सिर्फ और सिर्फ बताता है कि आपने जो भी परसेप्शंस बनाए हैं उनको आप कुछ बेसिक लॉजिकल प्रिंसिपल्स पर अपनाओ और उनको देखो कि वो सही है या गलत। ठीक है, एक न्याय में ही एक कॉजेशन की थ्योरी आती है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कार्य और कारक का सिद्धांत। ये भी न्याय बताता है कि कोई भी चीज हो रही है उसका कुछ ना कुछ कारण है, कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकती है बिना कारण के नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसलिए बोला जाता है कि न्याय की बहुत सारी चीजें बौद्ध धर्म में भी आई, कि अगर कोई दुख है तो दुख का कारण है ना, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं फोर नोबल ट्रूथ, चार आर्य सत्य। तो कार्य और कारक का सिद्धांत, ये भी न्याय का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो न्याय ने हमें, हमने क्या देखो पढ़ा, फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ दो तीन पॉइंट में, कि न्याय पहली रियलिस्ट फिलॉसफी है जो ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं करती है, जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल स्टेप्स के बारे में बात करती है कि हमारा मोक्ष पाने का रास्ता क्या है, कि जो भी दृष्टिकोण, जो भी परसेप्शंस हमने बना रखे हैं उनको हमें ब्रेक करना है। ठीक है, और वो परसेप्शन, वो चीजें हमें सिद्धांत अपनाने हैं जो यूनिवर्सली अप्लीकेबल, लॉजिकल हो। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि पहली लॉजिकल फिलोसफी जो तर्कवाद पर आधारित थी वो थी न्याय, गौतम। ठीक है, न्याय से ही जुड़ा हुआ है वैशेषिक। अच्छा, न्याय को ही फिर से अप्लाई किया गया, और न्याय को अप्लाई करके जो फिलॉसफी निकली, न्याय का एप्लीकेशन है वैशेषिक। जैसे हमने देखा था सांख्य का एप्लीकेशन क्या है, योग, इसलिए न्याय का एप्लीकेशन वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक का मतलब है विश्लेषण, किसी भी चीज का विश्लेषण पूरी तरीके से, नॉलेज उसकी। ठीक है, अच्छा, यह दर्शन न्याय दर्शन से साम्य रखते हैं, पहली लाइन लिख दी है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसेबल टू परमाणु। सबसे अच्छी फिलॉसफी जो वैशेषिक दर्शन की से निकलती है वो ये क्या है कि जो हर चीज है, ये जो भौतिक वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, ये हर चीज कुछ अनडिविजिबल पार्टिकल से बनी। अच्छा, इस वजह से ये फिलॉसफी बहुत पूछी जाती है, इसको बोलते हैं कि भारत की फिजिक्स का सोर्स किस फिलॉसफी को माना जाता है, वैशेषिक दर्शन को माना जाता है। क्योंकि तो वैशेषिक ने पहली बार जब विश्लेषण किया कि ये जीवन है क्या, ये जो पदार्थ, ये मैटर दिख रहे हैं, ये है क्या, तो इसने पता किया कि भाई हर चीज जो है ये कुछ इनडिस्ट्रिक्टेबल पार्टिकल से बनी हुई है, और उसको उसने परमाणु बोला। अच्छा, ये परमाणु, ये बहुत आगे चलकर जब मॉडर्न साइंस डेवलप हुई तो फिर इसी रिसर्च पर, इसी नतीजे पर पहुंची कि
भाई हर चीज कुछ ऐसे पार्टिकल से बनी हुई जिनको हम एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सोर्स ऑफ इंडियन फिजिक्स भी बोला जाता है, इस दर्शन को। अच्छा अब ये बोला गया, ये देखो अगली चीज, ये भी बड़ी अच्छी चीज है कि अच्छा फिर हर चीज का एक प्रकृति अलग है, ये पेन अलग है, टेबल अलग है, बोर्ड अलग है, सब चीज अलग है। तो इसमें बोला कि जो पार्टिकल्स मिलते हैं जब, तो उस मिलने से वो एक क्वालिटी अक्वायर कर लेते हैं, उसकी एक विशेषता डेवलप हो जाती है, और जो विशेषता की वजह से हमें इतनी सारी चीजें नजर आती हैं, प्रकृति में है, नेचर में है, वो एटम्स के मिलने की प्रकृति की वजह से, नेचर की वजह से ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। और इन्हीं चीजों का ज्ञान, यही हमारा मोक्ष है। तो फिर से ये भी दर्शन है जो कर्म कांडों को नहीं मानता किसी चीज को। अभी तक हमने एक भी दर्शन नहीं पढ़ा जो सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स को, पूजा पाठ को, ये सब चीजें मान रहा हो। ये सभी दर्शन बहुत ही प्रैक्टिकल फिलोसफीज मानी जाती है, जो अभी तक हमने चार पढ़े। अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है, जो जो उस टाइम की इंडियन एंशियंट इंडिया में सबसे अच्छी फिलोसफीज मानी जाती थी, वो आजकल एक भी अप्लाई नहीं होती, लोग उनको बिल्कुल भूल चुके हैं, और जो दर्शन उस टाइम सबसे बकवास माना जाता था वही अप्लाई होता है जो आगे हम पढ़े, इसके आगे पढ़े, ठीक है। न्याय में अगली चीज देखो, न्याय ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला, और वो था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये इन पांच तत्वों को से बना हुआ है, इस वजह से अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इथर। इथर मतलब आकाश, ये तो पता ही है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिनको पंच महाभूत या पंच तत्वों का कॉन्सेप्ट। बहुत पूछा जाता है ये किसका कॉन्सेप्ट है, किस फिलोसफी से आया, किस दर्शन से आया, ठीक है, जो पंच तत्व या पंच भूतों का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और इसने फिर से बताया कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको वैलिड नॉलेज, फिर से आपको सही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। इन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन चारों फिलोसफीज ने ये नहीं माना कि आपको पूजा पाठ, वर्शिप, ठीक है, कुछ कर्म कांड करने से, रिचुअल्स करने से आपको मोक्ष मिलेगा या सॉल्वेशन मिलेगा। हाँ ये सब फिलोसफीज कॉमन क्यों है, कॉमन इसलिए है क्योंकि ये सब आत्मा को मानते हैं कि सोल, इंसान में आत्मा होती है, एक ईश्वर भी है, प्रकृति भी है कुछ, ठीक है, रीबर्थ भी होता है, पुनर्जन्म होता है, जो वो हिंदुओं के कोर कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, ये सब मानते हैं, इस वजह से ये हिंदू धर्म की फिलोसफीज मानी जाती है। तो ये न्याय, वैशेषिक दर्शन हो गया कणाद का। इसके बाद में, कणाद के बाद में आते हैं ये वाला दर्शन, मीमांसा। मीमांसा है जैमिनी का, ठीक है, प्रोपाउंडर है जैमिनी। जैमिनी जो है, देखो मीमांसा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा गया द वर्ड मीमांसा मीन्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड थोरोली, किसी विषय पर गहराई से किए गए विचार विमर्श को मीमांसा कहते हैं। तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मीमांसा, यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वर्ड का मतलब क्या है, मीमांसा क्या होता है। अच्छा अब मीमांसा जो है, ये जब एनालिसिस करना है, मतलब मीमांसा का मतलब है एनालिसिस, डीप एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। तो किस चीज पर मीमांसा ये करना करना चाहते हैं, ये धर्म पर बस मीमांसा करना चाहते हैं, मीमांसा में धर्म पर विचार कर किया जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको पूर्व मीमांसा भी कह देते हैं। अच्छा जिस मीमांसा, अगर आप मीमांसा में ब्रह्म पर, किसी ईश्वर पर, शक्ति पर विश्वास करोगे या उसके बारे में रिसर्च करोगे, उसको उत्तर मीमांसा कहा जाएगा, जो अगली फिलोसफी है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये अगली, ये अलग अलग फिलोसफी है। पूर्व मीमांसा में मतलब धर्म पर एनालिसिस, पूरा धर्म पर फोकस है, उत्तर मीमांसा पर ब्रह्म पर, इस प्रकृति पर फोकस है पूरा। वो अगली फिलोसफी है जिसको वेदांत भी कहते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट वाली जो लास्ट छठी फिलोसफी होती है, आस्तिक फिलोसफी। अच्छा पूर्व मीमांसा क्या मानता है, पहली चीज देखो, पूर्व मीमांसा ये मानता है कि जो वेद है ये अपौरुषेय है। देखो ये वर्ड तो बहुत पूछा जाता है, ये हिस्ट्री में भी हम लोग, एंशियंट हिस्ट्री में इसको कई बार रिपीट करते हैं, अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब वेदों की उत्पत्ति इंसानों ने नहीं की, अपुरुष, अपुरुष मतलब ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर ने वो ज्ञान दिया है। इसलिए हम लोग जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो श्रुति साहित्य में पढ़ते हैं, श्रुति और स्मृति दो पार्ट बनाए जाते हैं लिटरेचर के, वैदिक साहित्य के। श्रुति मतलब रिवील्ड बाई गॉड, ईश्वर द्वारा बताया हुआ सीधे। तो वेद को भी ऐसे ही इस वजह से अपौरुषेय मानते हैं, ठीक है, ये ईश्वर का ज्ञान है। मीमांसा ये मानता है कि जो वेदों में लिखा हुआ है वही सत्य है, उसको, उससे अलग कुछ भी सत्य नहीं है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। और वेदों में जो चीजें बताई गई हैं हमें बस उन्हीं का
उन्हीं का पालन करना है और वही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। बाकी की हर चीज, देवी देवता की पूजा पाठ करना, वो करना, वो सब गलत है। जो वेदों में है वही सत्य है बस। इसलिए ये पूर्व मीमांसा है, और ये पूर्व मीमांसा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है। सबसे बड़ी फिलॉसफी अननोइंगली जो लोग फॉलो करते हैं वो पूर्व मीमांसा है। हमें नहीं पता क्या मतलब है, बस यज्ञ कर देना है, हवन कर देना है, भगवान शिव पर क्या वो चल रहा है तो वो कर देना है, बेलपत्र चढ़ा देना है। हमें नहीं मतलब क्या है उसका लॉजिक, क्या है, क्यों करना है, क्योंकि अगर कर्म कांड बताए गए हैं, रिचुअल्स बताए गए हैं, तो बस आप रिचुअल करते रहो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और सबसे कम माइंड दिमाग अप्लाई करना है इस फिलोसफी, बस आपको करते जाना है जो बताया गया है, ठीक है। और ये है पूर्व मीमांसा, बहुत चलती है। देखो कर्म कांड मनुष्य का प्रथम धर्म है, इसके अनुसार मंत्र ही सब कुछ है, वे ही देवता है, देवताओं की अलग कोई सत्ता नहीं, ठीक है। फल की प्राप्ति यज्ञ से होती है, यज्ञ में मैं बताई दिया है कि रिचुअल्स, तो ये एक रिचुअलिस्टिक फिलॉसफी है, रिचुअलिस्टिक फिलॉसफी है जो कर्म कांड पर फोकस करती है, पूर्व मीमांसा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और छठी आस्तिक फिलॉसफी जो जो हिंदू धर्म की का महान दर्शन माना जाता है वो है वेदांत, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। मैंने अभी नाम वहां पर लिखा था उत्तर मीमांसा, मीमांसा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, धर्म पर नहीं, ये ब्रह्म पर मीमांसा कर रहा है। मीमांसा मतलब उसकी एनालिसिस कर रहा है। ये फिलॉसफी अभी के टाइम पे समझ, दुनिया की जो सबसे बेस्ट फिलॉसफी जो फिलॉसफर्स मानते हैं वो है वेदांत या उत्तर मीमांसा। दो तीन में पहले इसको बताने से पहले दो तीन नाम ही बता दे रहा हूं आपको कि एस राधा कृष्णन जो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर भारत के थे, उन्होंने बोला कि ये हाईएस्ट फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, कि मतलब इससे ज्यादा इंसान कुछ नहीं सोच सकता जितना वेदांत लोग वेदांत में सोचा गया। हाँ, एस राधा कृष्णन ने जो बोला था। दूसरा एक बहुत फेमस फिलोसोफर था, जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर, ठीक है। उसने बोला था कि भाई दुनिया में इससे बेनिफिशियल राइटिंग कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा लिखा गया जो इससे ज्यादा बेनिफिशियल। और उसने तो यहां तक बोला कि मेरा पूरी फिलॉसफी मेरी ले ले मुझसे कोई, और बस मुझे इस वेदांत फिलॉसफी के तीन तीन लाइंस हैं बृहदारण्यक उपनिषद की, सबने सुने होंगे, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ने बोला बस मुझे वो तीन पॉइंट जो लाइन है वो मेरे हवाले कर दे, बाकी मेरी पूरी फिलॉसफी ले ले कोई। तो ये वेदांत दर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन। वेदांत क्या करता है, देखो सबसे पहले ये एक मोनोस्टिक रिलीजन, मोनोस्टिक मतलब ये मानता है कि हम मतलब इंसान या व्यक्ति ये और ईश्वर ये अलग नहीं है, हम एक ही हैं। अच्छा, ये बिल्कुल अलग फिलॉसफी लेके आए, बिल्कुल अलग। शुरुआत वाले जो सांख्य था वो ड्यूलिस्टिक मानता था, पुरुष और प्रकृति दो हो, अलग अलग, उनके मिलने से ये सब चीजें बनी, जबकि ये मानता नहीं, ये कुछ है ही नहीं, हम सब एक, हम और ईश्वर एक ही है। उसको उन्होंने ब्रह्म नाम दिया है, यूनिवर्सल सोल। हमको अब जो हमारे अंदर सोल है आत्मा, और वो है यूनिवर्सल सोल परमात्मा, और हम एक ही हैं। हमें बस क्या है, इस चीज का ज्ञान है ही नहीं, और जो जिसको ये चीज का ज्ञान हो गया उसको मोक्ष मिल गया या सल्वेशन मिल गया, ठीक है। आज शंकराचार्य जो थे इसके बहुत बड़े प्रोपाउंडर थे, हालांकि स्वरूप देखो ये नाम मैंने बताया नहीं अभी, ये बात बताता हूँ कि शंकराचार्य ने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी कि जगत सत्यम है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सिर्फ ब्रह्म सत्य है और जो ये दुनिया हम देख रहे हैं ये सब असत्य है, ये मिथ्या है सब, और ये असत्य नहीं मिथ्या, ठीक है। ये फिलॉसफी निकलती है बादरायण से। देखो ये इस फिलॉसफी के बारे में पहले तो दो तीन तीन चीजें कि ये वेदांत शब्द है, वेदांत शब्द का मतलब है वेदों का अंत नहीं है, मतलब जो वेद हैं उनके जो लास्ट चैप्टर्स हैं, लास्ट पेजेस हैं, उनसे जो फिलॉसफी निकाली गई हर वेद के। देखो वेद में शुरुआत में कर्मकांड बताए गए, और उसके जो आखिरी के पन्ने, आखिरी के पेज हैं, उनमें फिलॉसफी दर्शन बताया गया। तो उन आखिरी पेजेस से जो फिलॉसफी निकली उनको वेदांत बोलते हैं। इसका मतलब वेदों का अंत नहीं है, मतलब वेदों के अंतिम पेजों से जो दर्शन निकला है वो वेदांत है। ये उपनिषद से भी निकला, उपनिषद इंडिया की एक बहुत फेमस फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी है। उपनिषद मतलब वो ज्ञान जो शिष्यों ने अपने गुरुओं के पास में बैठकर प्राप्त किया, उपनिषद मतलब उनके पास में बैठ के प्राप्त किया। अच्छा, फिर ये बादरायण, इन्होंने इस पूरे ज्ञान को कोडिफाई किया और एक अपनी बहुत फेमस किताब लिख दी,
जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र। और उसके बाद ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखी और उसमें उसका पार्ट आ गया भगवत गीता। तो ये पूरा वेदांत दर्शन इन किताबों से निकला हुआ है, ये तीन किताबें। और ये नाम बहुत कई बार पूछा गया, इन तीनों किताबों को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी बुक प्रस्थान त्रयी का पार्ट है या कौन सा नहीं है। ये वेदांत की तीन किताबें हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, जो प्रस्थान त्रयी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मसूत्र बादरायण ने लिखी है, उपनिषद तो ऋषियों ने लिखा है, इसका कोई पता पता नहीं है। भगवद गीता महर्षि व्यास की जो महाभारत है उसका पार्ट है, सबको पता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि ये वर्ल्ड अनरियल है, माया है, और सिर्फ कौन सा सत्य है, ब्रह्म सत्य है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जैसे इसमें दो तीन एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि जैसे एक गोल्ड है, गोल्ड की चेन भी बन जाती है, गोल्ड की रिंग भी बनेगी, गोल्ड की आप हार भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो गोल्ड का। और उनका सबका अलग अलग रूप है, लेकिन अगर देखा जाए असलियत में तो वो है सब क्या, गोल्ड ही तो है। ठीक है, तो बस यही बात बोली जाती है कि हमें बस इस चीज का ज्ञान करना है कि ये जो रूप है, ये सब बने हुए हैं, ये सब सत्य नहीं है, ये सब क्या है, माया है। असली चीज क्या है, वो ब्रह्म है। इसलिए इसलिए हर व्यक्ति जो है उसके अंदर जो आत्मा है वो उस ब्रह्म का पार्ट है, इसलिए वही ब्रह्म है। ये चार वाक्य हैं, देखो ये इन चार महावाक्यों को कई बार पूछा गया है ये चीजें कि फोर महावाक्य ऑफ वेदांता, वेदांत दर्शन के चार महावाक्य, इन्हीं से अच्छा इनका सबका मतलब एक ही लगभग निकलता है, बस मैं बस ये नाम लिखे हुए हैं। प्रज्ञानम बंद्रा मतलब कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म, जो हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, सब चीजें हैं, जो चेतना है वो क्या है, ब्रह्म है, ऊपर है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, सबने सुना होगा ये वर्ड, बहुत पूछा जाता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, थाउ आर्ट दैट, यू आर द वन, तुम ही ब्रह्म हो। और फिर है आई एम आत्म ब्रह्मा, दिस सेल्फ इज ब्रह्मा। ठीक है, ये सब अलग अलग उनसे निकला, उपनिषदों से ये नाम बहुत पूछा जाता है, मैं बस लिख रहा हूँ इसमें। पहला जो ये है प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये ऐतरेय उपनिषद से लिया गया। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्यक उपनिषद का, ये तो बहुत पूछा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद से लिया गया। तीसरा है तत्त्वम असि, ये छंदोग्य उपनिषद का है, छंदोग्य उपनिषद का है। और लास्ट है आई एम आत्म ब्रह्मा, ये मांडुक्य उपनिषद का है, मांडुक्य उपनिषद का पाठ। ये चार महावाक्य बोले जाते हैं वेदांत दर्शन। अच्छा, ये वेदांत दर्शन हो गया। वेदांत में एक और बड़ी अच्छा इलस्ट्रेशन जो शंकराचार्य देते थे कि है क्या ये सब चीजें, कि जैसे कोई इंसान है वो अंधेरे में निकल रहा है, और उसने उसने देखा कि कुछ कुछ सांप जैसा है, वो डर गया। ठीक है, उसको सांप का आभास हुआ, लेकिन लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी, ठीक है, तो उसने देखा नहीं वो तो रस्सी है, तो उसका तुरंत डर खत्म हो जाता है। तो उसने बोला कि ये हम लोग जो है, हमें दुख हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, इस वजह से है क्योंकि हमें सही नॉलेज नहीं है, हमें बस उस प्रकाश की जरूरत है जिससे हमें ये चीज पता चल जाए कि हम उस ब्रह्म का पार्ट है और वही मोक्ष का रास्ता है। इसलिए इसने भी क्या किया, ब्रह्म के नॉलेज को, ब्रह्म के ज्ञान को सॉल्वेशन का रास्ता, ये फिलॉसफी को आगे बहुत डेवलप और डेवलप किया आदि शंकर शंकराचार्य ने। ठीक है, जब उन्होंने अद्वैत वेदांत, इस वेदांत को अद्वैत के रूप में पूरा डेवलप किया, विकसित किया, ये बहुत पूछा जाता है अद्वैत वेदांत। उसके बाद इसमें कुछ सुधार किए, कुछ अपनी थ्योरीज भी उन्होंने बोला कि अद्वैत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया। फिर माध्वाचार्य, उन्होंने बोला नहीं ये द्वैत है, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है। ये भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ये ब्रांच बने, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ये इसके लिए हम लोग अलग से टॉपिक, अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें वेदांत की जो ये ब्रांचेज हैं, जिसमें अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, इसको छोड़कर निम्बकाचार्य का शुद्ध अद्वैत है, वल्लभाचार्य का द्वैताद्वैत है ना, तो ये जो ये फिलोसफीज हैं ये सब हम अलग उसमें पढ़ लें। ये लास्ट दर्शन है सिक्स फिलोसफीज में, वेदांत फिलोसफी। इसके बाद में दो हमारे आते हैं वो ये फिलोसफी जो नास्तिक या जिनको हेट
एट्रोडक्स या नास्तिक दर्शन बोले जाते हैं। नास्तिक इसलिए क्योंकि ये लोग आत्मा, ईश्वर, रीबर्थ, कर्मफल, ये कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। ये सब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये फिलॉसफी सोल को मानती है नहीं मानती, ये फिलॉसफी ईश्वर को मानता है नहीं मानता, ये फिलॉसफी जो है रिबर्थ को मानता है नहीं मानता। तो क्योंकि ये जो फिलॉसफी थी ये इनको नहीं मानता, बाकी की जो छह ऊपर वाली थी वो इन सबको मानती, इस वजह से वो आस्तिक संप्रदाय बोले जाते हैं। ये नास्तिक संप्रदाय क्योंकि वो ये इनको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो लोकाय पहला है और लोकायत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन, इसको लोकायत दर्शन बोलते हैं। ये चार्वाक ने, ऋषि चार्वाक ने शुरू किया। चार्वाक को ये ज्ञान बृहस्पति ने दिया, इसलिए कहीं कहीं पे लिखा होता है बृहस्पति ने शुरू किया। ठीक है, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट, लोकायत। लोकायत मतलब लोगों का दर्शन, फिलॉसफी। अच्छा, ये फिलॉसफी भी बड़ी अच्छी थी, अब तो बिल्कुल गायब कर दी गई ये फिलॉसफी। लोकायत ये मानता है कि जो ईश्वर है, आत्मा है, ये सब ब्राह्मणों ने क्रिएट किया, ये सब कॉन्सेप्ट है फर्जी, किसी को कुछ भी नहीं पता क्या है असली में, ये सब फिलॉसफी अपने फायदे के लिए क्रिएट की गई। लोकायत ने क्या बोला, ये लोकायत का ये जो तीन लाइनें हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे पूरी लाइन की पता चल जाती है। यावत जीवेत सुखम जीवेत त्रिडम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अब देखो इसमें क्या बोला गया, आप जब तक जिए खुशी से जिए, प्लेजर जो हैप्पीनेस है ये लाइफ का एम होना चाहिए, मोक्ष कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता क्या होता है, ईश्वर है या नहीं है, खुशी से जिए, कर्ज लो और घी पियो, भले ही आपको कर्ज लेकर घी पिए, घी मतलब यहाँ पर प्लेजर की बात है, खुश रहना है आपको, इस भौतिक जो जो ये दुनिया है इसका इसका सुख लेना है। इसी वजह से इसको मेटलिस्टिक फिलॉसफी या भौतिकवादी दर्शन भी बोलते हैं, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिकवादी या मेटलिस्टिक फिलॉसफी, स्टिक फिलॉसफी, भौतिकवादी दर्शन है। अच्छा, इसमें विदा की जब शरीर राख हो जाता है तो उसके बाद पता नहीं कौन क्या क्या कहां पर है, वो सिर्फ अनुमान है लोगों के, इसलिए उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा ये फिलॉसफी उस टाइम पे बहुत बड़ी फिलॉसफी थी लोकायत। फिर लोकायत को धीरे धीरे ये बोला भी जाता है कि गायब कर दिया गया, हटा ही दिया गया लोकायत दर्शन को, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे जो जो कोर कॉन्सेप्ट है हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन के, उस पर ही चोट पहुंचा रहा मार रहा था लोकायत दर्शन। ठीक है, तो हैप्पीनेस ही इसमें मेन वो है, और इसलिए मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस दर्शन में लोकायत। लोकायत, अच्छा लोकायत के बारे में बोला जाता है कि लोकायत के कॉन्सेप्ट जो अब लोकायत के मानने वाले हैं वो इसको नेशन स्टेट से भी जुड़ते हैं, कि मोक्ष ये सब नहीं है, आप अपने अपने आसपास की चीजों को अच्छा करो, इस जीवन को सुखी बनाओ आप, और इस जीवन को सुखी बनाने के लिए अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छा देश होना चाहिए, अपना देश की कंडीशन सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, तो यहीं पे स्वर्ग बनाओ आप, यहीं इसी को अच्छा करो, इसलिए इसको लोकायत, लोगों का दर्शन, मतलब आम लोगों से जुड़ी हुई फिलॉसफी बोला गया। ठीक है, जो बिल्कुल नास्तिक फिलॉसफी, इसको छोड़कर एक फिलॉसफी हमारी और बची बस नास्तिक में, जिसको भी लोग बहुत इग्नोर ही कर देते हैं, जो है आजीवक सेक्ट, आजीवक संप्रदाय, आजीवक दर्शन। ये भी बहुत सही फिलॉसफी थी, और ये ऐसी फिलॉसफी थी, इसके बारे में लिखा होता है कि बुद्ध और जैन से आने से पहले ये सबसे बड़ी फिलॉसफी थी आजीवक। ये बौद्ध और जैन साहित्य में भी मिलता है, ये सबसे बड़ी फिलॉसफी थी, मतलब जो हिंदू आस्तिक फिलॉसफीज हैं उनको छोड़कर, जो नास्तिक संप्रदाय या जो श्रमण संप्रदाय माने जाते हैं उनमें सबसे बड़ा दर्शन आजीवक आजीवकों का था। इसको शुरू किया, इसके प्रोपाउंडर थे मक्खली गोशल, मक्खली पुत्र गोशल, नाम भी बहुत पूछा जाता है। एक वर्ड में, जैसे लोकायत प्लेजर की बात करता था, सुख की बात करता था, भौतिक सुखों की बात करता था, और अगर इसमें एक चीज में समझना है तो ये नियतिवाद पर आधारित था, डिटर्मिनिज्म। ये बोलता था कि हमारे पास फ्री विल कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, जो चीजें हैं वो परिस्थितियां डिसाइड करती हैं क्या होता है, ठीक है, तो नो फ्री विल हमारे पास, हम कर्म कांड करके ये करके कुछ नहीं हो सकता, जैसी परिस्थितियां बनती जाएंगी वैसा ही इंसान के साथ में होगा, अच्छा हो बुरा हो, आगे बढ़े नीचे जाए, कुछ भी हो, तो हम लोग परिस्थितियों के वश में हैं, सर्कमस्टेंसेस हमें घेर के रखती है और उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर से प्रभावित होती हैं वो
परिस्थितियां। इसलिए भी इसलिए इसने क्या किया कि आपको इन कर्म कांडो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। नियतिवाद बोला जाता है, भाग्यवादी बोला जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं आजीवक का जब यूज करते हैं। ठीक है, ये तो मैं बोल ही चुका, इसलिए तो ये तो सब बता ही दिया मैंने, ईश्वर पुनर्जन्म कर्म कर्म कांड इन सब में इनका, ये नास्तिक संप्रदाय था इसलिए इनको इनको नहीं मानते। ये महावीर और बुद्ध के समकालीन थे, मक्खलीपुत्र गोचर। आजीवकों का एक बहुत बड़ा रूलर भी, अच्छा आजीवक संप्रदाय तो बिल्कुल ही चला गया, लोकायत का तब भी कभी कभी नाम आ जाता, आजीवक तो बिल्कुल चला गया। एंशियंट हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं मौर्य एम्पायर, तो याद करते हैं हम लोग मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, सेकेंड मौर्य डायनेस्टी का रूलर था, जिसका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार वो आजीवक का फॉलोअर था। इसको छोड़कर और कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है हमें आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है कि कौन मौर्य एम्पायर था जो आजीवक सेक्ट का फॉलोअर था। आजीवकों के बारे में एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, इतनी बार पूछा गया होगा कि आजीवकों की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि खुद जो एम्परर अशोक थे मौर्य डायनेस्टी के, और उसके बाद उनका ग्रैंडसन दशरथ, उन्होंने बिहार में बाराबर और नागार्जुनी केव्स आजीवक संप्रदाय को डोनेट की दान में दी। ये भी बहुत पूछा था, या तो केव सीधे पूछ लेते हैं बाराबर और नागार्जुनी केव्स कहाँ है, किस संप्रदाय से रिलेटेड है, किस सेक्ट से रिलेटेड है, या इन केव्स को किसने किसको डोनेट किया, कैसे भी। तो ये आजीवक सेक्ट था जो फिर से एक नास्तिक संप्रदाय। इसको छोड़कर मैंने बताया दो नास्तिक संप्रदाय और आते हैं, बुद्ध और जैन, जो एंशियंट हिस्ट्री के बहुत बड़े टॉपिक ही हैं, इसलिए उनको हम लोग अलग एक्स्ट्रा बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 8 फिलोसफीज एंशियंट हिस्ट्री। थैंक यू।